दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे रेडमी 12 5G फ़ोन है मेरे पास, और इसकी जो फ्लैश लाइट है वो ऑटोमेटिक जल रही है और बंद हो रही है। तो इस चीज़ को मैं कैसे फिक्स करूँगा वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो प्रॉब्लम आई कैसे थी। तो यहाँ पर ये बग है एक, यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने डायलर में, और यहाँ पर डायलर में जाने के बाद सेटिंग्स पर जाता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद हमको यहाँ पर देखने को मिलता है इनकमिंग कॉल सेटिंग, और मैंने जो यहाँ पर फ्लैश वैन रिंगिंग ये चीज़ जो है यहाँ से ऑन कर रखी है। उससे क्या होगा, जब भी मेरे पास कोई कॉल करेगा बंदा तो फ्लैश लाइट मेरी यहाँ पे ये जलेगी और बंद होगी। तो ये फीचर मैंने इनेबल कर रखा था। अब यहाँ पे कॉल मेरे पास आई भी और वो कट भी गई। कटने के बाद भी ये जो फ्लैश लाइट है ये ऐसे की ऐसी जल रही है जब से। अगर मैं यहाँ से बंद करना चाहूँ इसको तो यहाँ पर आप देखिए फ्लैश लाइट मेरी बंद नहीं होती है, तभी भी यही प्रॉब्लम यहाँ पर होती रहती है। तो इस चीज़ को कैसे फिक्स करना है आपको वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको ये जो पावर बटन, आपको इसको दबाए रखना है और अपने फ़ोन को यहाँ पर रिबूट कर लेना है। तो क्या करेंगे, इसको स्लाइड डाउन करेंगे इस तरीके से, और आपका फ़ोन जो बंद हो के चालू हो जाएगा। तो अब देखते हैं हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो फ्लैश लाइट तो बंद हो चुकी है क्योंकि हमारा फ़ोन ही बंद हो गया। अब यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं जब तक हमारा फ़ोन चालू होता है, उसके बाद हमारी प्रॉब्लम ठीक होती है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म तो हो चुकी है, लेकिन अगर आप इसको परमानेंट ख़त्म करना चाहते हो, और मैं फ्लैश लाइट जला के दिखाऊँ मैं आपको, तो फ्लैश लाइट मेरी नॉर्मल यहाँ पे जल रही है। तो परमानेंट इसको बंद करना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे जाएंगे, फिर सेटिंग्स पे जाएंगे, और यहाँ पे इनकमिंग कॉल सेटिंग्स पे जाएंगे, फ्लैश वैन रिंगिंग यदि आपका ऑन है इसको ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद आपके फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली।